हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HBS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जैक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 वालों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब पारी है सेकेंड टर्म का। तो सेकेंड टर्म का भी एग्जाम का डेट आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि एक्चुअली देखिए क्लास 1 से लेकर 7 वालों का भी एग्जाम होना है जैक बोर्ड में, और 8, 9 और 11 वालों का भी होना है। क्लास 1 से लेकर 7 तक का एग्जाम जून में लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा था, ठीक है पहले। और क्लास 8, 9 और 11 वालों का भी सेकेंड टर्म जून में हो जाएगा। तो जून में ही होगा आप लोगों का एग्जाम, जस्ट इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म होता है, टीचर्स का ड्यूटी इलेक्शन से खत्म हो जाएगा, फिर तुरंत आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आज एक अपडेट आया है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने सुबह वाला वीडियो में भी कहा था, जैक बोर्ड का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी नोटिस आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर देना चाहिए पर नहीं दिया जाता है। लेकिन ये अपडेट है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक जो एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, एक एग्जाम होगा। याद रखिएगा, क्लास 1 से लेकर 7 तक के स्टूडेंट्स आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, और 6 जून और 15 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा, क्लास 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। जैक बोर्ड 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में हो जाएगा, और क्लास 8, 9 और 11 वालों का भी जून में होगा। तो उन लोगों का जो एग्जाम है वह 16 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगा, ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों को लाइव क्लास में कहा था कि जो लास्ट वीक होगा उसके आसपास एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं आया है कि किस दिन होगा, कौन सी तिथि को होगी, बट ये एवरेज बताया गया है कि क्लास 8, 9 एंड 11 का जो एग्जाम है वह 16 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगा, और क्लास 1 से 7 तक 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप एग्जाम का तैयारी में लग जाइए, ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। और अभी भी काफी लोगों को डाउट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लास 7 वाले पूछ रहे थे तो सुनिए, क्लास 1 से लेकर 7 तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स आएगा, ओके, क्योंकि एक ही एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, तो मिक्स आएगा। आप जिस क्लास में है देख लीजिएगा, एंड क्लास 8, 9 एंड 11 वालों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक दो ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, ठीक है, एक दो ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता है तो वो तो ऑब्जेक्टिव में ही काउंट होगा। तो ट्रू फॉल्स अगर आ गया तो ये भी ऑब्जेक्टिव जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, बट 99% जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, इस तरीके से 4 लाइन 5 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। तो थोड़ा लंबा लंबा लिखना रहेगा, तो जो आपका चैप्टर का लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। और मॉडल क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, आ जाएगा। और अगर मॉडल क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं अपने से अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन सेट कर दूंगा, और आपके पास अगर सुविधा है तो गेस पेपर वगैरह खरीद लीजिए। अदरवाइज मैं अपने चैनल पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।